उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन नंबर 8, मैं वो करवा देता हूँ, 7 भी कर लेना, ये सवाल एग्जाम में आते हैं, अच्छे फेवरेट सवाल है ये, तो इसको नोट कर लो अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, पहले हम लिख देते हैं बाइनोमियल 1 + 3x / 2 की होल पावर 13/2। अब लिखा हुआ क्या है, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्लियर किया था कि नेगेटिव टर्म आप कैसे निकालते हो। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, जब आप बाइनोमियल एक्सपेंड करते हो तो आपके पास पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म आ रही होती है पूरी, तो सबसे पहली टर्म जिसके साथ नेगेटिव आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल शुरू की 3 टर्म पॉजिटिव है, चौथी टर्म नेगेटिव है, तो चौथी टर्म को आप बोलोगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, उसके बाद भी नेगेटिव टर्म होंगी लेकिन वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं कहलाई जाएगी। तो आपको मालूम करनी है वो वाली टर्म जो सबसे पहली टर्म हो जिसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। अभी कैसे पता चलेगा, एक तो वैसे सेंस भी बना के यूज कर सकते हो, लेकिन आप स्टेप शो करना थोड़े, और स्टेप किस तरह शो करोगे बता दूंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट लेके चलो ना तो आपको बात पहले समझ आ जाएगी, बाद में फिर आप वर्किंग शो कर देना। सबसे पहले करो क्या, आप यहां पे ना जनरल टर्म यूज कर लो, जनरल टर्म मतलब आर प्लस वन टर्म जो है, इसको आप आर प्लस वन टर्म कहते हो ना बाइनोमियल के अंदर, तो जनरल टर्म जो है ना वो ये वाली है, आर प्लस वन टर्म क्या होती है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 अप टू एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एक्स की पावर आर। क्या डिटेल में मैंने समझाई थी कैसे आई है ये एन माइनस आर प्लस वन कैसे आया है नीचे आर फैक्टोरियल, सब चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाई थी इंट्रोडक्शन में, जो मैंने 1.3 से पहले अपलोड किया था, तो वो जाके आप देख लो आपको बात समझ आ जाएगी वहां पे। अभी जरा हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, वैल्यूज पुट करो आप यहाँ पे, आपको फिलहाल अभी क्या पता है, आपको फिलहाल एन पता है, एन क्या है 13/2 - 1 - 2 डॉट 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 13/2 - r + 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और x की पावर r, x यहां पे क्या है 3x/2 तो 3x/2 की पावर r, ये पूरी जनरल टर्म आपने अप्लाई कर दी है। अब आप एक जुमला लिखो, अभी जनरल टर्म है, जनरल टर्म का मतलब पांचवी टर्म, छठी टर्म, दसवीं टर्म, बीसवीं टर्म, जनरल टर्म ये होती है ना, कोई भी आप टर्म मालूम करना चाहते हो, जैसे 8.3 में आप क्या कर रहे होते थे कि फॉर एग्जांपल आपको छठी टर्म निकालनी है, आप r की जगह 5 पुट कर देते हैं, 5 + 6 छठी टर्म आती थी, अगर आपको दसवीं टर्म निकालनी है आप r की जगह 9 पुट करते थे, 9 + 1 दसवीं टर्म आती थी, तो ये आपके टर्म को शो कर रही है। अब जिस हिसाब से r की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये छठी टर्म को शो करेगी, 10 पुट करोगे ये 11वीं टर्म को शो करेगी, तो एक जनरल टर्म है पूरा ये, तो ये वाली टर्म जो है दिस विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म when 13/2 - r + 1 < 0। अब इस बात को इस तरह भी आप कर सकते हो सवाल को, या अगर आप समझ रहे हो ना तो आपको बात समझ आ जाएगी, मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं फिर इस पे आ जाऊंगा कि यार इसको किस तरीके से करना है, ये तो बहुत इजी मेथड है, कॉन्सेप्ट पे जरा बात करते हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे यूजिंग बाइनोमियल तो होगा क्या, सबसे पहले आओगी 1, फिर होगा एन एक्स, एन 13/2 है, एक्स यहां पे 3x/2 है, दूसरी टर्म में क्या आएगा n n माइनस वन, मतलब दूसरी टर्म में क्या होगा 13/2 - 1, तीसरी टर्म में क्या होगा सॉरी चौथी टर्म में क्या होगा 13/2 - 1, 13/2 - 2। जरा गौर करो, चौथी टर्म में, फोर्थ टर्म में आपके पास क्या आ रहा है 13/2 - 2, मतलब आखिरी चीज जो है मैं उस पर बात कर रहा हूं, इससे पहले 13/2 - 1 होगी फिर 13/2 होगी, मैं आखिरी टर्म की बात कर रहा हूं, और अभी मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात क्यों कर रहा हूं वही बात, क्या ये नेगेटिव होगा कभी नहीं, आर की कुछ भी वैल्यू कर दो नेगेटिव नहीं होगा, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस वजह से नहीं आ सकती, नेगेटिव इस टर्म की वजह से नहीं आएगा, इस एक्सप्रेशन क्या नेगेटिव इसकी वजह से आएगा नहीं, इसकी वजह से भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो नेगेटिव लाने का जिम्मेदार कौन है यहां पे, ये न्यूमरेटर, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ये 13/2 - 2 है, ये करते करते एक पॉइंट ऐसा होगा कि 13/2 से फॉर एग्जांपल अगर आप 10 माइनस कर रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन 10 से पहले अगर आप 9 माइनस कर रहे हो तब भी तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो आपको सबसे पहली वो ब्रैकेट देखनी है जो यहां पे माइनस ला रही है। अब वो कैसे पता चलेगा, फोर्थ टर्म में मैक्सिमम टर्म ये होगी ना न्यूमरेटर के अंदर, एन माइनस टू होता है ना फोर्थ टर्म में, तो 13/2 - 2। अच्छा इसी तरह सिक्स टर्म की बात करते हैं, सिक्स टर्म में क्या होगा 13/2 - 4, मैं एक स्किप कर रहा हूं, फिफ्थ टर्म में 13/2 - 3 होगा, आखिरी इसमें 13/2 - 4 होगा, क्या ये नेगेटिव है, 2 × 4 = 8, 13 - 8 क्या होता है 5/2, ये तो नेगेटिव नहीं है। एट टर्म की बात करते हैं, एट टर्म में क्या होगा 13/2 - 6, अभी भी देखो नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये आखिरी पॉजिटिव टर्म है, कैसे
आखिरी पॉजिटिव, इसके बाद पॉजिटिव कोई नहीं आएगी, क्यों? 2 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो माइनस 12, 13 माइनस 12 क्या होता है 1 अपॉन 2, ये आखिरी पॉजिटिव टर्म है 1 अपॉन 2, इसके बाद कोई पॉजिटिव नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नाइन्थ टर्म देखोगे ना, नाइन्थ टर्म में क्या होगा, 13 अपॉन 2 माइनस 1 फिर माइनस 2 करते करते आखिरी क्या होगी 13 अपॉन 2 माइनस 7 और ये नेगेटिव है। आप ऑब्जर्व कर लो, 2 को माइनस 7 से करो माइनस 14, 13 माइनस 14 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये वो चीज है जिसकी वजह से आपके पास नेगेटिव आ रहा है। तो जो पहली नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी होगी, नाइन्थ टर्म वो पहली टर्म होगी जो बेचारी नेगेटिव होगी, और किस वजह से नेगेटिव होगी, उसके न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट आ रही होंगी ना सब पॉजिटिव होंगी, 13 अपॉन 2 माइनस 1 13 अपॉन 2 माइनस 2 करते करते अप टू 13 अपॉन 2 माइनस 7 जो है वो उस नाइन्थ टर्म को क्या कर देगी, नेगेटिव कर देगी। ठीक है, तो नाइन्थ टर्म में आर की वैल्यू क्या होती है, नाइन्थ टर्म में आर की वैल्यू 8 होती है। अभी मैनुअल आपने निकाला है, अब इसको हम थोड़ी वर्किंग करके दिखा लेते हैं। वर्किंग कैसे करेंगे, यहां पे जो टर्म है ना ये आखिरी टर्म को शो कर रही होती है ना, जब मैंने आपको जनरल टर्म बताई थी बिल्कुल सिंपलीफाई आपने किया था, तो आखिरी टर्म आखिरी एक्सप्रेशन आपकी बन रही थी, आखिरी एक्सप्रेशन आपकी ये है, तो आखिरी एक्सप्रेशन आपकी क्या चाहिए आपको, नेगेटिव चाहिए, आखिरी एक्सप्रेशन आपको नेगेटिव चाहिए। ठीक है, अब आखिरी एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए, इसको मैथमेटिकल अंदाज में कैसे लिखोगे, लेस देन जीरो, क्योंकि अभी मैंने बात बताई है कि जो नाइन्थ टर्म होगी उसमें शुरू की जो कितने ब्रैकेट आएंगे, इसके अंदर नाइन्थ टर्म में आपके पास कितने ब्रैकेट होंगे, 4 टर्म में आपके पास 3 ब्रैकेट होती है ना ऊपर, तो नाइन्थ टर्म में आपके पास 8 ब्रैकेट होंगी, उसमें से जो 7 ब्रैकेट हैं वो पॉजिटिव होंगे, जो आखिरी वाली होगी ना 8वीं ब्रैकेट ये वाली वो नेगेटिव होगी, और वही तो आपको मालूम कर रहा है उस 8वीं में यहां पे एक नंबर क्या लिखा हुआ है, खुद ही आप मालूम कर लो। तो ये जो है ये सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि आखिरी ब्रैकेट को शो कर रहा है, तो आप इसको क्या करो लेस देन जीरो करो, नेगेटिव कब होगी है मालूम करते हैं, 13 अपॉन 2 प्लस 1 को उधर ही रहने दो माइनस आर को उधर ले जाते हैं, इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2, मतलब 2 1 2 2 प्लस 13 15 अपॉन 2। अब देखो इनइक्वालिटी और इक्वालिटी इन दोनों में फर्क होता है, इक्वालिटी में अगर आपके पास 2 इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है ना तो आप इसको एक्स इक्वल टू 2 लिख सकते हो, लेकिन इनइक्वालिटी में ये नहीं होता, 15 अपॉन 2 इज लेस देन आर लिखा हुआ है, अगर आप आर को उधर लेकर आना चाह रहे हो ना तो जो मुंह है अब ये चेंज कर दो, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ज्यादा जहन में, और 15 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हो 7.5। अब ये चीज आपको क्या बता रही है, ये चीज आपको ये बता रही है जब r यहां पे 7.5 से ग्रेटर होगा तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। अब r आपको पता है फ्रैक्शन में तो नहीं लेते आप, पॉइंट में तो नहीं होता, r या तो 7 होगा या 8 होगा, मतलब नेचुरल चल रहा होता है ना। अब या आप 0 भी कह लो, इस वाली टर्म में r 0 आप कह लो सिंपल लैंग्वेज में, थर्टीन जो पहली टर्म होती है ना 13 अपॉन 2, इसमें 13 अपॉन 2 माइनस 0 है, इसके साथ कोई चीज नहीं लिखी गई, बट तो यहां पे फॉर एग्जांपल अगर आप इधर आर 7 पुट कर रहे हो तो क्या होगा, 13 अपॉन 2 माइनस 7 प्लस 1, मतलब माइनस 6 हो जाएगा, 13 अपॉन 2 माइनस 6 तो नेगेटिव नहीं होगी वो तो पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब आर की वैल्यू 7 पे पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, और ये इनइक्वालिटी भी आपको बता रही है, इनइक्वालिटी बता रही है आर अगर 7.5 से ग्रेटर पुट करोगे तब ये नेगेटिव होगी, और 7.5 से ग्रेटर क्या होगा 8, तो जब आप यहां पे 8 पुट करोगे ना तो होगा क्या, -8 + 1 -7, ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 -7, वही टर्म, ये कल्प्रिट टर्म है जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी, ये वो टर्म है जो नेगेटिव लाएगी, पहला नेगेटिव ये बता रही होगी, तो ये कब लाएगी r इक्वल टू 8 पे, अच्छा r इक्वल टू 9 पे भी नेगेटिव आएगा, वो कोई मसला, r इक्वल टू 9 पे भी नेगेटिव होगा, लेकिन वो टर्म नेगेटिव नहीं होगी, सबसे पहली बात वो टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि इससे अगली टर्म जो है ना उसमें 2 नेगेटिव आ रहे होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन उससे अगली टर्म जो है वो नेगेटिव होगी, उसमें r की वैल्यू होगी 10, लेकिन वो फर्स्ट नेगेटिव नहीं होगी, वो सेकंड नेगेटिव होगी, फर्स्ट नेगेटिव कैसे होगी, 7.5 के फौरन बाद आर की कौन सी वैल्यू चाहिए आपको 8, तो आर इक्वल टू 8 पे आपको सबसे पहले नेगेटिव टर्म मिल जाएगी। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को करवाया नहीं है, समझाया, वरना इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, इतना करवाते हैं टीचर्स, आगे से आर की वैल्यू वेट करते हैं, बच्चे भी खुश टीचर भी खुश, लेकिन मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्चुअल इस पे लेके गया हूं कि फर्स्ट नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी एग्जाम्पल भी मिलेगी, अगर आपने समझ लिया तो बुक में जो एग्जाम्पल है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, तो बच्चों डिटेल में मैंने बात कर करती है। अब आ जाओ वर्किंग पे, मजीद वर्किंग क्या करेंगे, तो हमने यहां से भी मालूम किया था ना कि नाइन्थ टर्म होगी जिसमें आर की वैल्यू 8 होगी, तो यहां से भी आपको पता चल गया, तो कैलकुलेशन और मैनुअल दोनों में आपने देख लिया कि आंसर आपके सेम ही आ रहे हैं, तो आप लिख दो हेंस इफ आर इज इक्वल टू 8 देन वी विल गेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बस आप बता दो भाई r की वैल्यू 8 पे आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगी, ये आपने अपने रिमार्क्स दे दिए, अब वो नेगेटिव टर्म मालूम करो, किस तरह मालूम करोगे, r की वैल्यू 8 पुट कर दो यहां पे, ठीक है,
तो अब आर की जगह 8 पुट कर दो, ये हो जाएगा 8 प्लस 1, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपको सिंप्लीफाई बहुत करना पड़ेगा, तो मैं एक स्टेप स्किप कर दूंगा यहाँ पे, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है ना, तो ब्रैकेट्स काफी ज्यादा बन रही होंगी, कितनी 8 ब्रैकेट है शायद इसके अंदर। तो होगा क्या, तो जब R 8 पुट करोगे ना, आपके पास ऊपर 8 ब्रैकेट्स आएंगी, ठीक है। R ब्रैकेट्स क्या होगी, सबसे पहले होगी 13/2, फिर होगी 13/2-1, फिर होगी 13/2-2, और मैं स्किप कर रहा हूं दरमियान में, 13/2-3-4-5-6-7, आखिरी क्या होगी 13/2-7। कैसे पता चला, जब R यहां पे 8 पुट करोगे तो -8+1-7, तो आखिरी वाली 8 होगी। डिवाइडेड बाय आर आपका क्या है, 8 है, तो नीचे हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, आर की 8 वैल्यू पुट किए तो ये हो जाएगा 3x/2 की पावर 8। अब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करना है, आप सिंप्लीफाई कर लो यूजिंग कैलकुलेटर, पहले मेंशन कर दो क्या होगा, 13/2 जब इसको सॉल्व करोगे ना, ये होगा 11/2, फिर होगा 9/2, चौथी में होगा 7/2, ये है पांचवी, फिर है छठी टर्म, मतलब छठी एक्सप्रेशन ऊपर छठी ब्रैकेट, सातवीं में होगा 1/2, जो आठवीं ब्रैकेट होगी उसमें होगा -1/2 इसमें, और आपके पास पहली नेगेटिव टर्म आ जाएगी, वो आखिरी की वजह से नेगेटिव आता है, और नीचे 8 फैक्टोरियल, उसके बाद नीचे 8 फैक्टोरियल। अच्छा देखो, इसका आंसर जो है ना बुक में पावर्स की फॉर्म में आया हुआ है, तो हम भी पावर्स की फॉर्म में निकालते हैं, वरना कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी इसके अंदर। तो 8 फैक्टोरियल को आप लिखोगे इस तरह, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इसको कैसे लिखोगे, 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, और एंड में बेचारा एक्स है उसकी पावर आप 8 कर दोगे। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, आप कैंसिल किस तरीके से करोगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये इनके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आप इस पूरे डिनोमिनेटर को इससे कैंसिल कर सकते हो, मतलब ये वाली चीज और जो ऊपर लिखा हुआ है, जो तो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 7 को 7 से कैंसिल कर दो, 5 को 5 से कैंसिल कर दो, 3 को 3 से कैंसिल कर दो, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 6 हो सकता है, ये 2 टाइम जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, अच्छा जी, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहां पे। तो अब क्या बचेगा आपके पास, ऊपर बचा 13 × 11, 13 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 130, 143 आ रहा होगा, ठीक है। तो ऊपर यहां पे बचेगा 143 न्यूमरेटर में, ये जो पूरी चीज है ना, 13, 11, इस 3 को छोड़ दो फिलहाल, 9, 7, 5, 3, बाकी तो कैंसिल हो गया, एक आएगा बाहर नेगेटिव, ठीक है, और 13, 11 × 143 हो जाएगा, इस 3 को फिलहाल इग्नोर कर दो। नीचे वाले 2 का जरा देखते हैं इनका क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है 2 की पावर 8, तो सिंपल 2 की पावर 8 लिख दो। अच्छा ये 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर क्यूब, ये 2 क्या है, 2 की पावर 1, मल्टीप्लाई हो रही हो जाएगा पावर जेड होगी, 2 की पावर क्यूब 2 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 4। इसी तरह 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 2 की पावर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 6, और 1 पावर ये है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7, ठीक है, और एक ये 2 की पावर 8 है। दोबारा बताता हूं, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा 2 की पावर 8, ये पूरा डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 7, और ये जो 2 की पावर 8 है यहां पे लिख दोगे, ये जो 3 है वो इस 3 की पावर 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 3 की पावर 9, और x 8 अपनी जगह पे रहेगा, मतलब x की पावर 8। अब एक आखिरी स्टेप करो, -143, ऊपर तो 3 की पावर 9 ही है, नीचे आप क्या लिखो, 8, 7, 15, 15, 18, sorry, 15 और 8, 23, ये हो जाएगा 2 की पावर 23, x की पावर 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, बुक में ही आंसर लिखा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी पावर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा लंबा आ जाएगा, सॉल्व कर लेना का शौक, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे सवाल आते नहीं है पेपर में, लेकिन अगर आ जाए तो आपकी मर्जी, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में जब आप निकालोगे शायद पॉइंट में आंसर ना आए, पॉइंट में आएगा फिर राउंड ऑफ करोगे उसको, तो बेहतर है आप इस फॉर्म में रहने दो, यार मैं चलो निकालना भी चाह रहा हूं, इतना इशू नहीं है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों मैंने आपको बताया इसी टाइप के, बस उसमें वैल्यूज भी छोटी हैं, तो वो तो आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, तो देखो 9 तो बड़ा इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरल टर्म निकालनी है और उसमें कोएफिशिएंट ऑफ मतलब आर की जगह 5 पुट कर दोगे। 10 में थोड़ी मेहनत है, तो 10 में पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद वही काम करना जो 9 में है। तो 10 में लिखा हुआ है
वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 और पावर है माइनस थ्री अपॉन टू। ठीक है, आपने क्या करना है, लिखा होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स फाइव निकालो। अब ये टर्म तो इनफाइनाइट है लेकिन इनमें कोई एक्स फाइव होगा ना, एक्स की पावर फाइव आ रही होगी तो उसका कोफिशियंट आपको निकालने को बोला गया। तो पहले आप इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ी करो, सिंप्लीफिकेशन क्या करनी है देख लेते हैं। ये जो पूरी चीज लिखी हुई है अंदर, ये किसके बराबर है? मैंने आप लोगों को 8.3 से पहले अगेन जब टॉपिक्स पढ़ाए थे उसमें बताया था, ये जो पूरी चीज है ये इसके बराबर होती है। 1 माइनस एक्स की पावर अगर आप माइनस टू करो तो ये पूरी चीज आती है। ये भी नेगेटिव तो सब टर्म के साथ पॉजिटिव, और अगर पावर माइनस टू होती है तो होता है 1, फिर 2x, फिर 3x स्क्वायर। अगर पावर माइनस वन होती तो फिर होता है 1x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, यह सब चल रहा होता है। तो जो पूरी चीज अंदर लिखी है इसके बराबर है, और पावर माइनस थ्री अपॉन टू का जवाब है। टू से ये वाला टू कैंसिल, तो रिजल्ट में आपके पास क्या बचा है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस माइनस पॉजिटिव, ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है 1 माइनस होल क्यूब, इस पे तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, 1 माइनस होल क्यूब तो बस आने सॉल्व कर सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, पावर नेगेटिव तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। अब आपको पता है a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में एक्स फाइव नहीं होता, अगर आपको याद हो, एक्स फाइव नहीं होता, मैक्सिमम टर्म क्या होती है, एक्स क्यूब, एक्स फाइव तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है इसमें एक्स फाइव नहीं होगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर जो पहला वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी आपने यही कैलकुलेशन करनी है। और बिल्कुल अगर पेपर में सवाल आया तो कैलकुलेशन करके आप बताना कि यार इसमें x5 का कोफिशिएंट जीरो होगा, सिंपल लैंग्वेज में। अगर x की पावर 5 नहीं टर्म कोई, मतलब कोफिशिएंट उसका जीरो है, सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरह लिखते हैं, तो आपको पूरी वर्किंग दिखानी पड़ेगी। अब वर्किंग किस तरीके से होगी, इक्वल यहां पर लगा लो, ये पूरी चीज इसके बराबर है, मतलब आप इसको इस तरह कर लो, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये पूरा किसके बराबर है, बराबर है 1 माइनस एक्स की पावर होल क्यूब। अब आप क्या करोगे, प्रोसेस क्या होगा, जनरल टर्म आप निकालोगे। आपको पता जनरल टर्म क्या होती है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 एंड में एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई नीचे होता है आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एक्स की पावर आर। वैल्यूज पुट करो बच्चों, एन यहां पे थ्री है, थ्री माइनस वन ये हो जाएगा 3 माइनस टू डॉट 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 3 माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एक्स की पावर आर। अब आपको निकालना है एक्स की पावर 5 का कोफिशियंट, तो मतलब एक्स की पावर 5 मतलब आर की वैल्यू 5 पुट कर दो, जब आर 5 पुट करोगे तो एक्स की पावर 5 बन जाएगा, उसका कोफिशियंट आपके पास आ जाएगा। तो लिख दो फॉर ये सिंपल लिख दो, पुट एक्स इक्वल टू पुट r इक्वल टू 5, आप r इक्वल टू 5 करो। अब आपको पता है जब r 5 होता है तो ऊपर कितनी ब्रैकेट्स होती हैं, 5 ब्रैकेट होती हैं, जितनी r की वैल्यू, जैसे ये देखो ना r 3 है ना, तो ऊपर 3 ब्रैकेट है और उनको लिखना कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए आसानी से लिख सकते हो। तो किस तरह लिखोगे, सबसे पहली बात यहां पे r 5 पुट कर दो, तो ऊपर ब्रैकेट क्या होगी, सबसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी डिवाइडेड बाय नीचे होगा 5 फैक्टोरियल और यहां पे हो जाएगा एक्स की पावर 5। भाई इसको आप कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो चीज है ना ये कैलकुलेट है, ये पूरी चीज जीरो होती है और ये ऊपर पूरे न्यूमरेटर क्या कर देगी, जीरो कर देगी। तो ऊपर जीरो, जीरो को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, खत्म। तो ये पूरा क्या होगा आपके पास, जीरो एक्स की पावर 5, क्योंकि भाई एक्स की पावर 5 को टर्म ही नहीं है ना इसके अंदर, मतलब उसका कोफिशिएंट जीरो है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये आपका आंसर है, आप लिख देना हेंस कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 5 इज जीरो। सेम काम आपने क्वेश्चन नंबर 9 में भी करना है, आपने इसी तरह उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई तो हमें हुई भी है ना वो, हाँ, तो बस जनरल टर्म आपने कंसीडर करनी है, जनरल टर्म आपने अप्लाई करनी है, वहां पे जनरल टर्म ये हो जाएगी टी आर प्लस 1 एन है उसके अंदर 10/3, तो 10/3 माइनस 1 डॉट 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 कर देना भाई, 10/3 माइनस आर प्लस 1 नीचे आ रहा होगा आर फैक्टोरियल और एक्स नेगेटिव आ रहा है ना, तो इस तरह कर देना माइनस थ्री एक्स, दरमियान पॉजिटिव लाके माइनस थ्री एक्स अलग कर देना, तो माइनस थ्री एक्स की पावर आर हो जाएगी। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5 चाहिए तो मतलब आर की क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 5 पुट करनी पड़ेगी, तो अगेन 5 पुट करोगे और यहां पे 5 ब्रैकेट आपको कंसिडर करनी है, पहली होगी 10/3, दूसरी होगी 7/3 जब सॉल्व करोगे, तीसरी होगी 4/3
चौथी होगी 1/3 और पांचवी क्या होगी 10/3 माइनस 4 माइनस 2/3। डिनोमिनेटर में आएगा 5 फैक्टोरियल, यहां पे जब आप पुट करोगे ना 5 तो माइनस 3 की पावर 5 होगा माइनस 243 एक्स की पावर 5। अब इसको आपने पूरा सॉल्व करना है, ये पूरी चीज आप बच्चों कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हो 10, 7, 5, 4, 1 कुछ 5 फैक्टोरियल से भी कैंसिल हो सकती है अगर आप कैंसिल करना चाहो तो। इसको बस आपने सिंप्लीफाई करना है, मैं बता देता हूं किस तरह सिंप्लीफाई करना है। ये 5 फैक्टोरियल का आप इस तरह लिख सकते हो ना 5, 4, 3, 2, 1 तो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 को भी भाई कैंसिल कर देते हैं और कुछ ये कैंसिल हो सकता है 5 1 5 5 2 10 तो अब ऊपर क्या बचा हुआ है 2 × 7 = 14 और ये माइनस तो ऊपर आपका होगा -14 नीचे क्या होगा ये जो 5 3 है ना ये हो जाएंगे 3 की पावर 5 और ये मल्टीप्लाई होंगे इससे यहां पे 3 बचा हुआ है सिर्फ तो ऐड करोगे हो जाएगा 3 की पावर 6 तो ये 5 3 और ये वाला 3 ये हो जाएगा 3 की पावर 6 अच्छा माइनस 243 243 क्या होता है 3 की पावर 5 ये जो आपने लिखा हुआ था 3 की पावर 5 और x5 तो सबसे पहली बात माइनस से माइनस कैंसिल 3 की पावर 5 पूरी कैंसिल हो जाएगी 3 की पावर 6 है तो जस्ट एक 3 बच जाएगा मतलब 3 की पावर 1 बच जाएगी तो आंसर आ जाएगा 14/3 x की पावर 5 तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 14/3 x5 का कोफिशिएंट 14/3 हो जाएगा। सही है बच्चों।